सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय और आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर कम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ उस घंटे को दबाएं ताकि हमारी वीडियो के अपडेट्स आप तक सबसे पहले आए। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि आप अब देख सकते हैं, स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2017 हिंदी, इसकी एक्सपेक्टेड जो डेट है जो JSSC के कैलेंडर में है वो है जनवरी से फरवरी 2018 के बीच में होंगी। और जब इसकी कंफर्म डेट आ जाएगी तो मैं आपको उसकी नोटिफाई आपको कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी है, संस्कृत है, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, वाणिज्य, जीव विज्ञान है। तो इस सब के सिलेबस थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो सबके सिलेबस आपको जैसे कि मैं आपको एक एक करके सिलेबस दे दूंगा। ऊपर में हिंदी भी है और इसमें जूलॉजी और बॉटनी अभी शामिल नहीं है, लेकिन उसकी सिलेबस भी मैं आपको दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले आज मैं आपको हिंदी की सिलेबस बताने वाला हूँ, उसके बाद मैं लाइन से धीरे धीरे करके आपको 2 से 3 दिन में सबके सिलेबस मिल जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ, हिंदी प्रश्न पत्र 2 का पाठ्यक्रम, हिंदी भाषा एवं साहित्य, हिंदी लिटरेचर एवं लैंग्वेज की अगर मैं आपको सिलेबस बता दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भाषा के इतिहास का पहले में आपको पूछे जाएंगे अपभ्रंश, अवर्तट और पुरानी हिंदी की भाषिक विशेषताएं। दूसरे में आपसे पूछी जाएंगे मध्यकाल में अवधि और ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। तीसरे में आपसे पूछी जाएंगी 19वीं सदी में खड़ी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। चौथी में आपसे पूछी जाएगी हिंदी भाषा और नागरी लिपि का मानकीकरण। पांचवी में आपसे पूछी जा सकती है स्वाधीनता संघर्ष के समय राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का विकास। छठा नंबर में आपसे पूछी जा सकती है भारत संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास। सातवीं में पूछी जा सकती है हिंदी का तकनीकी एवं प्रायोजनिक विस्तार। आठवीं, हिंदी की प्रमुख बोलियां और उनका पारस्परिक संबंध। नौवीं में मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना। दसवीं में आपसे पूछी जा सकती है झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। अगर मैं यहाँ पे आपको ख में बता दूँ हिंदी साहित्य का इतिहास, अभी तक मैंने आपको बताया था हिंदी भाषा का इतिहास, अब मैं आपको बताऊँगा हिंदी साहित्य का इतिहास में क्या पूछा जा सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो देख सकते हैं हिंदी साहित्य पहले पहला में क्या है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। दूसरे में है हिंदी साहित्य के प्रमुख कालों, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्तियां। तीसरी में है हिंदी गग का विकास और 19वीं सदी का नवजागरण। चौथी में है आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, उसके समकालीन कविता, नवगीत, गजल। अगर मैं पांचवी की बात कर दूं तो यहाँ पे है हिंदी उपन्यास की परंपरा और यथार्थवाद। छठी में अगर है तो हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार। सातवीं में अगर बात कर दूं तो हिंदी नाटक की परंपरा और हिंदी रंगमंच। आठवीं में अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ हिंदी में आलोचना का विकास और प्रमुख आलोचक। नौवीं की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पे हिंदी गग की अन्य विधाएं, संस्मरण, ललित निबंध, आत्मकथा, व्यंग, लघु कथा, झारखंड का हिंदी साहित्य। अगर मैं आपको ग में बता दूं जो आपसे पूछी जाएंगी, तो ऑब्वियस सी बात है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये आप फॉर्म जो फिलअप कर रहे हो तो आप पोस्ट ग्रेजुएट के लिए कर रहे हो, जो कि एक लेवल की एग्जाम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है आपने उतनी पढ़ाई की है कि आपको ये सब
कि आधा से ज्यादा नॉलेज अगर आप हिंदी से किए हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको तो ये सब मतलब आपने खोल दिया होगा, मतलब कि आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पोस्ट ग्रेजुएट की एग्जाम दे रहे हो तो उसकी क्वालिफिकेशन भी बहुत ऊपर रखी गई है। नॉर्मल मतलब ग्रेजुएट भी शायद अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो आपके लिए खाली मैं आपको ये सिलेबस इसलिए बता दे रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक आएंगी, ये टॉपिक आएंगी, ताकि आपको ध्यान में रहे कि हाँ ये टॉपिक आई है और आपने कौन कौन सा कवर कर लिया, आपको कौन कौन सा कवर करना है। यहाँ पे अगर मैं फिर से आपको दिखा दूँ, यहाँ पर कृतियां में कबीर, कबीर ग्रंथवाली, संपादक श्याम सुंदर दास, प्रारंभिक 100 पद, सूरदास ब्रह्म रगित सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, प्रारंभिक 200 पद। यहाँ पे तीसरे में तुलसीदास, रामचरितमानस, अयोध्या कांड, कविता वाली उत्तरा कांड, चौथे में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राज विराग, संपादक राज विलास शर्मा, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, जयशंकर प्रसाद, कामयानी चिंता श्रद्धा और लज्जा सर्ग, रामधारी सिंह दिनकर कुरुक्षेत्र। यहाँ पे मैं अगर आपको घ में गद कृतिया की बता दूँ तो यहाँ पे है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, जयशंकर प्रसाद, रत्न गुप्ता, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, प्रेमचंद्र गोदान, फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, प्रेमचंद मानसरोवर भाग 1, यहाँ पे रामचंद्र शुक्ला, चिंतामणि भाग 1, भाग और मनोविकार, श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रति, कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था। तो ये रही आपकी हिंदी की, जो आपको हिंदी में आपको आएंगी, हिंदी की ये सिलेबस है। उसके बाद आपको ये आपको हिंदी के लिए है, और उसके बाद अगर आप आपको मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन दे दूंगा, जैसे मैं ऊपर में देख सकते हैं ये सब आपको, ये तो मैंने आपको लैंग्वेज पेपर की आपको बता दिए, प्रश्न पत्र 2 और प्रश्न पत्र 1 की अगर मैं यहाँ पे अगर आपको बात कर दूँ, देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन आएंगे, सामान्य विज्ञान आएंगे, सामान्य गणित आएंगे, मानसिक क्षमता जांच आएंगे, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान आएगा, उसके बाद झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भारत साहित्य, स्थान, खाद, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजना, खेल, खिलाड़ी, व्यक्तित्व, नागरिक उपलब्धियां, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विशेष इत्यादि। उसके बाद यहाँ पे आपको जो मैंने बताया हिंदी भाषा का ज्ञान, तो ये आने वाले हैं। तो इसी तरह आज तो मैंने आपको हिंदी का बताया, तो 2-3 दिनों में मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स की बता दूंगा। और जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी अप्लाई किए हैं बोटनी और जूलॉजी के, तो उनको लिए भी मैं आपको वीडियो बता दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा तो अपन इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह से जॉब रिगार्डिंग वीडियो अपडेट्स, नोटिफिकेशन, सिलेबस, ऑल इंडिया जॉब्स हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।